नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल नई उमंग में। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं। अभी हाल ही में एनसीएल ने एक नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है और वो किस चीज़ का है, एनसीएल माइनिंग सरदार एंड सर्वेयर रिक्वायरमेंट 2022 का आपका नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके अंतर्गत अगर बात करें तो आपसे टोटल 405 पदों के लिए भी ऑनलाइन आवेदन वो आमंत्रित किए गए हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले हैं एनसीएल माइनिंग सरदार का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, एनसीएल माइनिंग सरदार का एग्जाम पैटर्न क्या होगा, एनसीएल माइनिंग सरदार का सिलेबस क्या रहेगा, एनसीएल माइनिंग सरदार की सैलरी क्या रहेगी, इसके अलावा एनसीएल सर्वेयर का सिलेबस क्या रहेगा, एनसीएल सर्वेयर का एग्जाम पैटर्न क्या होगा, इसकी सैलरी क्या रहेगी, और भी बहुत सारी बातें जो आपके मन में एनसीएल माइनिंग सरदार एंड सर्वेयर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 2022 के बारे में आपके जितने भी डाउट हैं वो सारे डाउट इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपके मन में कोई डाउट रह जाता है या फिर कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगा, आप उस लिंक पर क्लिक करके सारी जानकारी देख सकते हो। इसके अलावा आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, आपकी तुरंत सहायता की जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की जानकारी को। जानकारी किस चीज़ के बारे में है, एनसीएल माइनिंग सरदार एंड सर्वेयर वैकेंसी 2022 का नोटिफिकेशन आपका जारी कर दिया गया है। नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड एनसीएल ने माइनिंग सरदार और सर्वेयर के रिक्त पदों की भर्ती के लिए एक अधिसूचना जारी की है। इस अधिसूचना के अनुसार एनसीएल ने माइनिंग सरदार और सर्वेयर के 405 पदों पर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार 1 दिसंबर 2022 से 22 दिसंबर 2022 तक अधिकारी वेबसाइट के माध्यम से एनसीएल माइनिंग सरदार एंड सर्वेयर भर्ती 2022 के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहां हम एनसीएल माइनिंग सरदार एंड सर्वेयर ऑनलाइन फॉर्म 2022 के अन्य विवरण, जैसे कि इसके लिए आयु सीमा क्या रहेगी, शैक्षणिक योग्यता क्या रहेगी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, आवेदन शुल्क क्या होगा, इसका एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, सिलेबस क्या रहेगा और इसके लिए आवेदन कैसे करें आदि के बारे में निश्चित रूप से चर्चा करेंगे। चलिए बात कर लेते हैं एनसीएल माइनिंग सरदार सर्वेयर ऑनलाइन एप्लीकेशन की जो आपकी वैकेंसी डिटेल है उसके बारे में। वैकेंसी डिटेल के बारे में अगर बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए माइनिंग सरदार की 149 पोस्ट है और सर्वेयर की 14 पोस्ट है। एससी कैटेगरी के लिए माइनिंग सरदार की 55 पोस्ट है और सर्वेयर की 4 पोस्ट है। एसटी कैटेगरी के लिए 79 पोस्ट माइनिंग सरदार की और 6 पोस्ट सर्वेयर की है। ईडब्ल्यूएस के लिए 36 पोस्ट माइनिंग सरदार की और 3 पोस्ट और सर्वेयर की है। ओबीसी की अगर बात करें तो 55 पोस्ट माइनिंग सरदार की है और 4 पोस्ट है वो सर्वेयर की है। इससे से टोटल अगर बात करें तो माइनिंग सरदार के लिए 373 पोस्ट है और सर्वेयर के लिए 31 पोस्ट है। इस तरह से टोटल अगर बात करें तो आपसे 405 पदों के लिए भी ऑनलाइन आवेदन वो आमंत्रित किए गए हैं। चलिए बात कर लेते हैं अब इन पदों के लिए आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए। शैक्षणिक योग्यता के बारे में बात करें तो उम्मीदवार को माइनिंग सरदार पदों पर भर्ती के लिए उम्मीदवार के पास डीजीएमएस द्वारा जारी माइनिंग सरदार सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी होना चाहिए या फिर माइनिंग और माइन सर्वेयर में डिप्लोमा होना चाहिए। सर्वेयर पद पर भर्ती के लिए उम्मीदवार मैट्रिकुलेशन पास होना चाहिए, साथ ही उम्मीदवार के पास डीजीएमएस द्वारा जारी सर्वेयर सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी होना चाहिए। तो आपके पास अगर ये डिप्लोमा है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। बात करते हैं एज लिमिट के बारे में। एज लिमिट के बारे में अगर अपन बात करें तो मिनिमम एज आपकी 18 वर्ष होना चाहिए और मैक्सिमम एज आपकी 30 वर्ष हो सकती है। इसके अलावा जो आपको सरकारी नियमों के साथ सरकारी नौकरी में आयु सीमा में छूट दी जाती है वो छूट आपको यहाँ पे भी प्रदान की जाएगी। चलिए बात कर लेते हैं इंपोर्टेंट डेट के बारे में। तो एनसीएल माइनिंग सरदार ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की स्टार्टिंग डेट के बारे में अगर बात करें तो आपके फॉर्म 1 दिसंबर 2022 से भरने शुरू होंगे। अगर बात करें एनसीएल माइनिंग सरदार एंड सर्वेयर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की लास्ट डेट के बारे में तो आप अपना फॉर्म 22 दिसंबर 2022 तक आप अपना फॉर्म भरकर जमा करवा सकते हो। अगर बात करें एप्लीकेशन फीस के बारे में तो जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की आपकी 1180 रुपये फीस लगेगी। इसके अलावा जो आपकी एससी एसटी और ईडब्ल्यूएस जो आपकी बीडब्ल्यूडी कैटेगरी है ईएसएम कैटेगरी है उनके लिए आपकी कोई फीस नहीं है, आपका फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर्म भरा जाएगा। जिन उम्मीदवारों में फीस लगने वाली है उनको अपनी फीस का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से करना होगा, जैसे कि डेबिट कार्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, नेट बैंकिंग हो गया आदि के माध्यम से आप अपनी फीस का भुगतान कर सकते हो। बात करते हैं एनसीएल माइनिंग सरदार एंड सर्वेयर सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, इसमें रिटन एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और मेडिकल एग्जाम होगा। इन सभी चरणों से गुजरने बाद ही आपको क्या फाइनल सिलेक्शन है वो दिया जाएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं कि एनसीएल माइनिंग सरदार एंड सर्वेयर का जो आपका रिटन एग्जाम होगा सीबीटी टाइप का, उसका एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा। एग्जाम पैटर्न के बारे में अगर अपन बात करें तो एनसीएल माइनिंग सरदार एंड सर्वेयर एग्जाम पैटर्न आपका क्या रहने वाला है, इसमें आपके दो पार्ट होंगे। पार्ट ए में आपका जो टेक्निकल सब्जेक्ट होगा उसमें अगर बात की तो माइनिंग सरदार और सर्वेयर से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 70 क्वेश्चन होंगे, 70 नंबर का आपका पेपर रहेगा पार्ट ए। पार्ट बी की अगर बात की तो इसमें आएगा जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, वर्बल एंड मेंटल एबिलिटी एंड क्वांटिटी एप्टीट्यूड। 30 क्वेश्चन आएंगे, 30 नंबर के आएंगे। तो इस तरह से टोटल आपका 100 क्वेश्चन होंगे, 100 नंबर का आपका पेपर होगा। चलिए बात करते हैं थोड़ी पेपर के बारे में। पेपर के बारे में अगर अपन बात करें तो परीक्षा 100 अंकों की होगी,
परीक्षा में 100% पूछे जाएंगे, प्रत्येक प्रश्न एक अंक का होगा, किसी भी गलत उत्तर को नेगेटिव मार्किंग नहीं है। समय 120 मिनट की, आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। परीक्षा जो आपकी होगी वो द्विभाषीय यानी अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में आपका पेपर आयोजित किया जाएगा। अब बात करते हैं एनसीएल माइनिंग सरदार और सर्वेयर का सिलेबस क्या रहेगा। सिलेबस के बारे में अगर बात करें तो पार्ट बी का आपका सिलेबस है जनरल अवेयरनेस का, उसके बारे में अगर बात करें तो उसमें आएगा इंडियन इकोनॉमिक बुक एंड ऑथर, साइंस इनोवेशन एंड डिस्कवरी, स्पोर्ट्स एब्रीविएशन, कंट्री एंड कैपिटल, करंट अफेयर, नेशनल और इंटरनेशनल दोनों, अवार्ड एंड होनर, बजट एंड 5 ईयर प्लान्स, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन नेशनल मूवमेंट, इंपोर्टेंट डे और डेट, जनरल साइंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जनरल पॉलिटी और इंटरनेशनल और नेशनल ऑर्गेनाइजेशन संबंधी आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बात करते हैं मेंटल एबिलिटी का सिलेबस क्या रहेगा, तो इसमें आ जाएगा वर्बल रीजनिंग आएगा, पैरा जंबल, एसर्शन एंड रीजन आ जाएगा, कोडिंग डिकोडिंग, डेटा सफिशिएंसी, डायरेक्शन एंड सेंस टेस्ट, समरी क्वेश्चन आ जाएंगे, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, लॉजिकल रीजनिंग, इसके अलावा जो DI, पजल, एनालॉजी, वर्ड लेसन और क्लासिफिकेशन संबंधित आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा लॉजिकल सिक्वेंस ऑफ वर्ड, लॉजिकल वेन डायग्राम, नंबर सीरीज, सिक्वेंस, माइनिंग करेक्टर और स्पॉन्स रिएक्शन टेस्ट संबंधित आपके क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। अगर बात करें अर्थमेटिक का क्या क्या आने वाला है, तो इसमें आएगा डेटा इंटरप्रिटेशन आ जाएगा, प्रॉब्लम ऑफ एज, इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, सिंप्लीफिकेशन, परसेंटेज, पाइप एंड सिस्टम्स, टाइम एंड डिस्टेंस, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, बोर्ड एंड स्ट्रीम से संबंधित आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपको ये टॉपिक वो अच्छे तरीके से कवर कर ले रहे हैं। चलिए बात कर लेते हैं कि इंग्लिश का सिलेबस क्या रहेगा। इंग्लिश में अगर बात करें तो इसमें आ जाएगा कॉम्प्रिहेंशन, एरर डिटेक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, टेंस, फिल इन द ब्लैंक्स, ब्लैंक्स वोकैबुलरी, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और क्लोज टेस्ट संबंधित आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये टॉपिक आपको अच्छे तरीके से कवर कर लेने हैं। अगर आप इन सभी टॉपिक के मिक्स प्रैक्टिस लगाना चाहते हैं तो आपको 50 प्रैक्टिस शेड बिल्कुल फ्री प्रोवाइड करा जा रहे हैं। ये तो हो गया आपका पार्ट जो बी है उसका सिलेबस। अब बात करते हैं जो पार्ट ए जो टेक्निकल सब्जेक्ट से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसमें क्या क्या पूछा जाएगा। तो माइनिंग सरदार का सिलेबस क्या रहेगा। माइनिंग सरदार में अगर बात करें तो इसमें आएगा माइन गैस, माइनिंग मेथड, माइन वेंटिलेशन, यूज ऑफ ब्लास्टिंग कार्ड्स, हैंडलिंग ओवर एंड टास्किंग ओवर चार्ज, कोल माइंस रेगुलेशन, डिटेक्शन एंड रिमूवल ऑफ इंफ्लेमेबल एंड टॉक्सिक गैस इन माइंस, एक्सप्लोजिव एंड एक्सेसरीज एंड देयर यूजेज इन माइन, डीलिंग विद द ऑक्यूरेंस ऑफ फायर, यूज ऑफ इक्विपमेंट लाइक एनिमोमीटर, मल्टी गैस डिटेक्टर, इसका सेफ्टी प्रोविजन एंड परसेक्शन इन अंडरग्राउंड ट्रांसपोर्टेशन संबंधित आप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये आपका आएगा 70 नंबर का टॉपिक अगर आपने माइनिंग सिद्धांत के लिए अप्लाई किया। तो अब बात करते हैं सर्वेयर का सिलेबस क्या रहेगा। सर्वेयर में अगर बात करें तो इसमें आ जाएगा सर्वेइंग, आर्डलिक्स, इसके अलावा थर्मल इंजीनियरिंग, कंक्रीट टेक्नोलॉजी, इरीगेशन इंजीनियरिंग, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, इसके अलावा कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग, द डिजाइन ऑफ रिफाइन कंक्रीट स्ट्रक्चर, सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग, द डिजाइन ऑफ स्टील मशीनरी स्ट्रक्चर, जो इसके अलावा जो एनवायरमेंटल पोल्यूशन एंड कंट्रोल, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस इंजीनियरिंग संबंधित आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये टॉपिक आपको अच्छे तरीके से कवर कर लेने हैं। तो ये आपका जो पार्ट होगा वो आने वाला है 70 नंबर का, जो सर्वेयर का और माइनिंग सरदार का अलग अलग आएगा आपका दोनों का पेपर। जो पार्ट ए बी में जो आपका आएगा वो आएगा आपका जनरल इंटेलिजेंस, जैसे कि रीजनिंग हो गया, मेंटल एबिलिटी, मैथमेटिक, इंग्लिश और आपके GK से संबंधित क्वेश्चन है वो पूछे जाने वाले। तो ये टॉपिक आपको अच्छे तरीके से कवर कर लेनी है। अगर आप इसकी अच्छे तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, जो प्रीवियस के जो 5 साल के जो पेपर होते हैं आपको वो परचेज कर लेने। एक बार आप वो लगा के देखोगे तो आपको पता लग जाएगा कि आपका पेपर हो किस लेवल का आता है, आपको कितना कुछ आता है, कितनी तैयारी आपको करना है और कितना आपको पढ़ना है, कितना आप पढ़ चुके हैं आदि के बारे में आपको सारी चीज़ें वहाँ से मिल जाएगी। तो इसके ऑफलाइन प्रैक्टिस शीट जरूर खरीदें और वो एक बार जरूर लगा के देखें। अब बात करते हैं जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा तो आपकी सैलरी क्या रहेगी। तो NCL माइनिंग सरदार एंड सर्वेयर सैलरी के बारे में अगर बात करें तो माइनिंग सरदार की सैलरी रहने वाली आपकी NCL माइनिंग सरदार की सैलरी 31,852 रुपये पर मंथ के हिसाब से आपको सैलरी दी जाएगी। अगर बात करें NCL सर्वेयर की सैलरी बारे में तो आपकी सैलरी 34,391 रुपये के आसपास आपकी सैलरी है वो पर मंथ के हिसाब से दी जाने वाली है। बहुत अच्छी जॉब है, बहुत अच्छी सैलरी आपको दी जाएगी। अगर आप योग्यता रखते हो तो आपके फॉर्म जरूर अप्लाई करना चाहिए। तो ये तो थी आपकी एक छोटी जानकारी जिसके माध्यम से हम डिस्कस किया कि अभी हाल ही में NCL ने माइनिंग सरदार और सर्वेयर की भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। ये NCL की लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब है, अगर आप योग्यता रखते हो तो आप इसके लिए जरूर अप्लाई करिए। साथ में हमने डिस्कस किया कि NCL माइनिंग सरदार का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, NCL माइनिंग सरदार का एग्जाम पैटर्न क्या होगा, NCL माइनिंग सरदार का सिलेबस क्या रहेगा, NCL माइनिंग सरदार की सैलरी क्या रहेगी। साथ में डिस्कस किया NCL सर्वेयर का एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा,
एनुअल सर्वेयर का सिलेबस क्या रहेगा, एनुअल सर्वेयर की सैलरी क्या रहेगी, और भी बहुत सारी बातें जो आपके मन में एनुअल माइनिंग सरदार एंड सर्वेयर भर्ती 2022 के बारे में जितने भी आपके डाउट बने हुए थे वो सारे डाउट हमने यहाँ पे क्लियर कर दिए। आशा करते हैं हमने आपको जो जानकारी प्रोवाइड कराई थी वो आपको अच्छी लगी और समझ में आई है। अगर जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में आपको एक बेल आइकन दे रखा है उसको आपको प्रेस कर लेना ताकि जब भी कोई जानकारी डाल दे आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्द से जल्द की जानकारी ज्वाइन कर सको। तो आज की जानकारी बस इतना ही, मिलते हैं एक नई जानकारी साथ, तब तक के लिए जय जय भारत, धन्यवाद।